बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? और अभी दोपहर का टाइम है तो आज आपके साथ हम लंच रूटीन शेयर करने वाले हैं। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि आज सुबह से काम करते करते पूरा टाइम एकदम थक गए और ब्लॉग स्टार्ट करने का बिल्कुल दिमाग में रहा ही नहीं। तो अभी लंच बनाने जा रहे थे तो फिर लगा चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग। और आज लंच में बनाने वाले हैं चिली पनीर, जो कि मुनमुन का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो सच आप लोग सच बोलते हैं कि आजकल तो मुनमुन की बल्ले बल्ले है, बिल्कुल उसके पसंद वाली चीज़ें ही बस बनती जा रही हैं। ठीक है, इसी बहाने सबका भला हो जा रहा है। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं कि चिली पनीर हम किस तरीके से बनाते हैं और बहुत फटाफट से बस लग रहा है कि खाना बन जाए क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। और ऐसा होता है ना कि जब हड़बड़ी में खाना बनता है तो उस दिन खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ऐसा ही हुआ था, चिली पनीर बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं हम। लोगों को पहले भी बताए थे कि दूध वाले भैया से आजकल हम लोग को पनीर आराम से मिल जाता है क्योंकि उनका दूध होटल वगैरह में जैसे जाता था तो अभी जा नहीं पा रहा है लॉकडाउन के वजह से, तो वो पनीर तैयार करते हैं। तो उनसे मम्मी कल 1 kg पनीर ले ली थी, इकट्ठे ले ली, वो फ्रिज में रख के हम लोग कुछ ना कुछ बना के खत्म ही कर देंगे। तो थोड़ा सा पनीर यहाँ हम काट लिए हैं स्क्वायर शेप में, ये तो सबको पता है कि स्क्वायर शेप में ही कटता है। और ये चॉपर में थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन और थोड़ा सा हरा मिर्च, क्योंकि चिली पनीर में अदरक और लहसुन का ही तो फ्लेवर सबसे अच्छा आता है ना, तो वो लेके इसको चॉप कर लेंगे। और चॉप करते करते यहाँ पे एक को क्या हो गया, नुकसान हो गया इस लॉकडाउन में, पता नहीं क्या हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। पहले मेरा ट्राईपॉड खराब हुआ, उसके बाद मोबाइल 3-4 बार गिर चुका है जिसका स्क्रीन पूरी तरह से हो गया है सत्यानाश। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन पहले रात में हम लोग कूलर मॉर्निंग में लगाए, रात में क्या हुआ कूलर ही नहीं स्टार्ट हुआ, अब पता नहीं उसमें क्या बला आ गई है भगवान जाने। और अभी जब ये चॉपर से चॉप कर रहे थे तो चॉप करते 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 अचानक से ये भी काम करना बंद हो गया। और हाँ, मिक्सर का जार भी खराब हो गया। तो सोचिए एक के बाद एक नुकसान पता नहीं क्यों होते जा रहा है इस लॉकडाउन में, और अभी तो कहीं जाके कुछ बनवा भी नहीं सकते। तो ट्राईपॉड मोबाइल ये सब कुछ ठीक हो नहीं सकता, ट्राईपॉड का उपाय जैसे तैसे लगाए हैं। और देखिए चॉप करते करते अभी ये भी खत्म, मतलब एकदम काम करना बंद कर देगा। क्या हुआ अचानक से एकदम फ्री हो गया, तो हम सोचे ये क्या हो गया, और देख रहे हैं तो ये भी काम करना बंद कर दिया था। शायद हम कुछ ज़्यादा ही ताकत लगा के खींच दिए थे, क्या पता नहीं, अब यही बोल सकते हैं। तो ये मम्मी को भी हम बता रहे हैं कि मम्मी लो ये भी चला गया। तो हंसी भी आ रही थी कि एक के बाद एक नुकसान होते जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। और ऐसा लॉकडाउन भी फंसा है कि हम लोग कहीं से कुछ ठीक नहीं करा सकते, लेकिन इसको देखेंगे, इसमें स्क्रू नट वगैरह कुछ था तो अब उसको बाद में खोल के चेक किया जाएगा, शायद बन जाए। और मिक्सर का जार मम्मी अपने आप ठीक कर ली थी, वो तो ठीक हो गया है। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पनीर मैंने काट के रखा था उसको एक बाउल में डाल लिया है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी डालने से थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है जब इसको अच्छे से, जब सारे मसालों के साथ जब पनीर डालते हैं ना तो बहुत अच्छा कलर आता है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद अदरक लहसुन जो थोड़ा सा उसका दरदरा सा पेस्ट है उसको थोड़ा सा इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम लोग मैरिनेट कर लेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। इसके बाद इसको मैरिनेट देखिए किस तरीके से करते हैं, और थोड़ा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से मैंने डाल दिया है क्योंकि जो चॉप किए थे वो थोड़ा मतलब बड़े बड़े पीस थे तो हमको लगा कि पता नहीं अच्छे से फ्लेवर आएगा कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा पेस्ट वो डाल दिया। और कॉर्नफ्लोर पाउडर भी इसमें ऐड कर दिए हैं, और इस तरह से ढक्कन से ढक के अच्छे से हिला दीजिए तो पूरे पनीर में बहुत अच्छे से सारे मसाले लग जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगा, बहुत जल्दी से हो गया। तो अब कढ़ाई रख देते हैं गरम होने के लिए, और इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल का यूज़ यहाँ हम कर रहे हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
और साथ साथ मेरा काम चलते रहता है, थोड़ा सामान जो भी इधर उधर बिखरा दिखता है ना तो उसको हम सेट करते रहते हैं, वो मेरी एक आदत है। तो इसके बाद पनीर के पीसेस दो बार में करके फ्राई किए, एक बार में आधा कर दिए थे और एक बार में आधा करके इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और देखिए कैमरे का क्या फोकस हो रहा है, डिस्को शुरू हो जाता है इस कैमरे का, और गिर गिर के भी काम कर रहा है। यही बड़ी बात है कि मोबाइल काम कर रहा है, और अगर अचानक से काम करना बंद कर दिया तो बड़ी आफत हो जाएगी। लेकिन चलिए, भगवान भरोसे चल रहा है तो चलेगा ही, अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो भगवान ऐसा तो नहीं करेंगे कि इस लॉकडाउन में ये मोबाइल की भी आफत आएगी। तो इसको हल्के हल्के से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पनीर टूटता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, थोड़ा हल्दी डाल दिए तो उससे कितना अच्छा कलर आया, और मैरिनेट करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। सबसे अच्छा फ्लेवर जो अदरक लहसुन का होता है ना, उससे पूरे सब्जी का पूरा टेस्ट बदल जाता है। देसी स्टाइल में सब्जी ही बोलेंगे चिली पनीर अपने जगह, लेकिन नॉर्मली तो हम लोग यही कहते हैं ना कि सब्जी, तो पूरे सब्जी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत टेस्टी बनी भी थी ये चिली पनीर। तो इसको चलिए फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। और पूरा दिन आज बहुत, मतलब आज क्या, हर दिन ही ऐसा बीत रहा है, काम बहुत हो जाता है और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि किचन में भी हालत ख़राब हो जा रही है। और गर्मी से एकदम बालों में बहुत अजीब सी इचिंग होती है, ऐसा लगता है कि हर दूसरे दिन बस बाल धुल लो। तो आज बाल बाल धुले थे और बस जैसे नहा के निकले फिर फटाफट से इधर किचन में आ गए थे, क्योंकि लंच के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था आज। और ऐसा होता है कि जिस दिन अगर लंच टाइम पे पूरा तैयार है फिर खाने वालों को भूख नहीं लगेगी घर में, मेरे ऐसा सबका है। और अगर थोड़ा लेट हो गया तो भूख बहुत तेज़ी से लगती है। तो देखिए यहाँ पनीर फ्राई हो गया है, उसके बाद उसी ऑयल में अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो दरदरा सा पेस्ट जैसा तैयार किए थे ना, उसको डाल दिए हैं। और उसको ज़्यादा लाल नहीं करना, हल्का सा बस उसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद यहाँ शिमला मिर्च ऐड कर दिए हैं, प्याज भी साथ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुनमुन को ना शिमला मिर्च अगर थोड़ा भी मतलब कच्चा जैसे लगता है उसको तो वो नहीं खाती है, इसलिए हमको अलग से पहले शिमला मिर्च को पकाना होता है। तो थोड़ा नमक डाल के इसको ढक दिए हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए, जब ये थोड़ा अच्छे से पक जाएगा तो इसके बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे, नहीं तो क्या करती है मुनमुन छटाई शुरू कर देती है, छाट छाट के खाना वो खाती है, इसीलिए शायद ऐसी है, हम ऐसे और मुनमुन सूखी साखी सी, लेकिन अंदर से स्ट्रांग है। अब धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो रहा है उसका खाने का तरीका। तो इस तरीके का जब कलर दिखता है ना सब्जी का तो देख के बहुत अच्छा लगता है, लगता है काश ऐसे ही देखते रहो, एकदम कलरफुल ग्रीन पिंक वाइट, ये पूरा बहुत अच्छा कलर लग रहा था देखने में। तो अब सब्जी थोड़ी अच्छे से जितनी हम लोग को पकानी थी उतनी पक चुकी थी, उसके बाद इसमें सोया सॉस थोड़ा ऐड किए, और बस हड़बड़ी में बन रही है तो इसलिए डायरेक्ट जो हो रहा है करते जा रहे हैं। उसके बाद विनेगर थोड़ा ऐड किए और रेड चिल्ली सॉस थोड़ा सा और काली मिर्च पाउडर, इतना चीज़ इसमें ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च ऐड किए हैं कलर के लिए, और ये चिंग्स का चिंग्स नाम से फिर वही बात याद आ गई, तो ये चिंग्स का चिली पनीर मसाला है वो ऐड कर दिया, थोड़ा एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर को पानी में अच्छे से मिक्स करके वो डाल दिए हैं, क्योंकि हमको बिल्कुल ड्राई नहीं बनाना था, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं पसंद करते, उनको थोड़ा सा जैसे ग्रेवी वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा सूखा उनको कहते हैं गले में फंस रहा है, तो इसलिए इस तरीके का हम बनाया। अभी ये तो थोड़ा और ड्राई होगा तो इसमें आप पनीर डाल देंगे, और पनीर देखिए अभी इसमें जाने के बाद कितना अच्छा और लग रहा है, और जो कश्मीरी मिर्च डाल दिए तो उससे कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। तो बस अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि पनीर वगैरह में भी सारे मसाले की जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए, और नमक इसके बाद लास्ट में थोड़ा हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि पनीर में भी नमक डाला था हमने मैरिनेट करते टाइम, उसके बाद शिमला मिर्च में थोड़ा सा डाले थे, उसके बाद सॉस वगैरह में भी होता है तो इसलिए नमक थोड़ा टेस्ट करके ही डालते हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो अब चलिए बनाते हैं फटाफट से पराठे, और यहाँ पे अच्छे से पहले प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर लेते हैं, और जब क्लीन करते हैं तो मेरा हाथ हर तरफ चलता है और इस चक्कर में कई बार हम जल भी जाते हैं, तो लेकिन आदत है तो आदत है। तो बस अब ये सब क्लीन करेंगे, उसके बाद बनाते हैं फटाफट से पराठे, क्योंकि लंच का टाइम हो गया, और आप यकीन नहीं करोगे ये सारा सब कुछ एकदम से आधे घंटे के अंदर हम निपटा दिए थे, सब्जी भी बन गई थी पराठे भी बन गए थे और सबको खिला भी दिए थे।
होता है जब हड़बड़ी होती है ना, तो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सब जब करिए आप तो खाना तो लाजवाब बनता ही और फटाफट से काम भी निपट ही जाता है। तो चलिए अब पराठे बना लेते हैं। ये देखिए किचन का असली जंग अब लड़ने जा रहे हैं, पूरी तैयारी में है जंग लड़ने के। तो रोटी पराठा ये सब ना एक गर्मी में जंग जैसा ही हमको लगता है। बिल्कुल इतनी गर्मी होती है कि मेरी हालत खराब हो जाती है। तो मेरे लिए तो ये जंग ही है। देखिए एकदम हाथ वाथ एकदम तैयार करके, बाजू ऊपर करके बिल्कुल जंग लड़ने की तैयारी है। सच में यार एकदम हालत खस्ता हो जाती है। ये किचन गर्मी में तो सच में भगवान जितना दूर रखे उतना अच्छा, लेकिन क्या करे, पेट का सवाल है, पापी पेट तो मानेगा नहीं। बनाना भी है, खाना भी है, खिलाना भी है। तो बस पराठे बना रहे हैं और रोटी बना सकते थे, लेकिन पता है मुनमुन इस मामले में कुछ अपने मामा पे गई है। भाई को भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद रहता था, वो रोटी बिल्कुल नहीं खाना चाहता था, उसको हमेशा पूड़ी पराठा यही सब अच्छा लगता था। तो कभी कभी माइंड में आता है कि मुनमुन बिल्कुल सोनू पे गई है, उसको भी ऐसे पराठा पूड़ी पसंद था और मुनमुन का भी यही हाल है। तो बोलती क्या है कि मम्मा रोटी खा के हम मर जाएंगे, मेरी जान आफत में आ जाएगी, ऐसे बोलती है। तो हमको पता तो था कि वो रोटी देखते नाक मुँह सी कोड़ेगी, इससे अच्छा चलो भैया पराठा बना दो ताकि वो खाना तो अच्छे से खाए। तो चलिए पराठा बना लेते हैं उसके लिए। लंच तैयार हो गया था और सबको खाना वाना भी खिला चुके थे, और अभी हम नहीं खाए थे क्योंकि हमको अभी किचन क्लीन करना था, थोड़े बर्तन थे वो सबके खाने के बाद के, और ये सब खाली वाली करके धोना था, क्योंकि अगर हम लंच कर लेते ना फिर उसके बाद हमसे ये सारे काम नहीं होते। तो इसलिए हम पहले सोचे कि चलो सब कुछ क्लीन कर ले, हाथों हाथ क्लीन व्लीन हो जाता है, किचन अच्छे से साफ हो जाता है तो दिल में बड़ा तसल्ली रहता है और आराम से फिर खाना भी खाने का मन करता है। तो इसलिए हम फटाफट से ये सब भी समेटने लगे कि जल्दी से निपटा ले, उसके बाद आराम से बैठ के खाएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से बर्तन वर्तन धो लेते हैं, सब कुछ क्लीन कर लेते हैं। पे अब लगभग सारे बर्तन भी धुल चुके हैं, अब ज़्यादा कोई काम नहीं है किचन में, इसके बाद हम भी खाना वाना खाएंगे। और यहाँ पे एक परात हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें आटा हमेशा सानते हैं, तो उस परात को देख के ना बड़ा स्पेशल सा फील होता है क्योंकि वो एकदम सोने जैसा दिखता है। ये रहा वो परात, तो ये मम्मी का दहेज है, मम्मी के दहेज में उनको ये परात मिला था जिसको अभी तक वो अच्छे संभाल के रखे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से अभी भी चमकते रहता है। तो जब भी हम लोग इसको देखते हैं ना तो कभी कभी मम्मी को ऐसे चिढ़ाने के मूड में कह देते हैं कि मम्मी ये तो तुम्हारा दहेज मिला है ना, तुमको सोने का परात मिला था। तो बहुत हंसती है और सच में एकदम ये सोने के जैसा एकदम चमकते रहता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी अगर हम लोग इसको ना सिंक में छोड़ देते हैं और लगता है आलस में हो जाता है कि चलो बाद में धुलेंगे, पानी पड़ गया तो फिर उतने जगह से वो काला भी हो जाता है। तो चलिए अब हम भी खाना वाना खा लेते हैं, काम तो सारा निपट ही गया है।
खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किए, 10 से 15 मिनट आराम किए, उसके बाद यहाँ लूडो खेलने के लिए सबके साथ बैठ गए थे, क्योंकि मम्मी का फेवरेट गेम है लूडो, तो वो सबको इकट्ठा करती रहती हैं कि चलो सब लोग खेलो खेलो खेलो, और मज़ा भी बहुत आता है सबके साथ खेलने में। जब जिसकी गोटी कटती है ना तो उसका मुंह देखने लायक रहता है, और जो काटता है वो तो इतने आनंद में रहता है कि पूछिए मत। ऐसी ऐसी बातें होती है इस लूडो को खेलते टाइम की, हम बता नहीं सकते, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग सांप सीढ़ी खेलने लगे थे, इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आप लोग भी लूडो खेलते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और भर भर के लाइक भी किया करिए, लाइक क्यों कम हो जाते हैं कभी कभी, अच्छा लगता है। और फुल वॉच किया करिए वीडियोज़ को, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा वॉच करके मत छोड़ा करिए, इससे बहुत जो हम लोग मेहनत करते हैं ना वीडियो पे वो सारी ख़राब हो जाती है, वीडियो की रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो प्लीज़ अगर टाइम रहा करे तो अच्छे से वॉच किया करिए, और नहीं टाइम रहता है किसी वजह से तो बिल्कुल छोड़ दिया करिए, इस तरीके से आधा अधूरा देख के मत छोड़ा करिए, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो हम लोग लीडो एंजॉय करते हैं, आप लोग ये ब्लॉग एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए वीडियो या ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नए वीडियो या ब्लॉग के साथ, क्या बोल रहे हैं हम, जो भी है आप समझ तो गए ही हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अपने घर में एंजॉय करिए।